गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास थ्री। क्लास थ्री की इंग्लिश बुक का क्वेश्चन आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन थ्री तक हो गया था, व्हाट वाज द किंग्स चैलेंज क्वेश्चन मार्क, यहाँ तक आपका हो गया था। अब आपका क्वेश्चन फोर है। कॉपी आप खोल लीजिएगा और अपनी कॉपी पर आपको जो है क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन फोर क्या है? Did the poor man get the reward at the end? Question mark. How? Question mark. क्या गरीब आदमी ने अपना पुरस्कार अंत में पाया? Question mark. How? कैसे? ये आपको जो है लिखना है। ऊपर डाल लीजिएगा हेल हेडिंग इंटेलिजेंट वेरबल चैप्टर थ्री। आंसर, द पुअर मैन गॉट द रिवॉर्ड एट द एंड। अंत में गरीब आदमी ने पुरस्कार पाया बाय द विजडम। विजडम मीन्स क्या होता है? समझदारी, डब्ल्यू आई एस डी ओ एम। एंड जस्टिस, जस्टिस मीन्स क्या होता है? न्याय, जे ओ यू एस टी आई सी ई। जस्टिस मीन्स क्या होता है? न्याय। और बिरबल, बिरबल के समझदारी और न्याय के द्वारा गरीब आदमी जो है अंत में अपना पुरस्कार पाया। द पुअर मैन गॉट द रिवॉर्ड एट द एंड बाई द विजडम एंड जस्टिस ऑफ बिरबल। आपको यहाँ से यहाँ तक जो है 20 सेकेंड में पूरा करना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन फाइव है। क्वेश्चन फाइव का आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आंसर बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन फाइव पर आप क्रॉस लगा दीजिएगा। क्वेश्चन फाइव का आंसर बड़ा है इसीलिए इसको नहीं लिखवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन सिक्स, डिड द पुअर मैन कंप्लीट द चैलेंज सी एच ए डबल एल ई एन जी ई। क्या गरीब आदमी ने चुनौती को पूरा किया? आंसर, यस द पुअर मैन कंप्लीटेड द चैलेंज। हाँ, गरीब आदमी ने चुनौती को पूरा किया। सी ओ एम पी एल ई टी ई डी, कंप्लीटेड मीन्स पूरा किया, द चैलेंज मीन्स चुनौती। सी एच ए डबल एल ई एन जी ई, यस द पुअर मैन कंप्लीटेड द चैलेंज। यहाँ से यहाँ तक आपको जो है 15 सेकेंड में पूरा करना है। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है जो है? सी फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। सी लिख लीजिएगा कॉपी पर, जो है आपका बी का पूरा हो गया। सी फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी पर लिख लीजिए, खाली स्थानों को भरिए। बी एल ए एन के एस। पहला, द पॉट वॉज, ब्लैंक है, स्थान खाली है, अ फ्यू फीट अबव द फायर, आग से कुछ फीट की ऊंचाई पर लटक रहा था बीच में। अब क्या भरेंगे? हैंगिंग, एच ए एन जी आई एन जी। हैंगिंग मीन्स क्या होगा? जो है लटक रहा था, तो आप हैंगिंग भर लेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा, द पुअर मैन स्टूड
इन द ब्लैंक, स्थान खाली है ऑनलाइन। गरीब आदमी जो है पूरी रात खड़ा रहा, किसमें खड़ा रहा, वाटर WATER। आप जो स्थान खाली उसमें क्या भरेंगे, वाटर भरेंगे। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी। द पुअर मैन स्टूड इन द वाटर ऑल नाइट, गरीब आदमी पूरी रात पानी में खड़ा रहा। अब नेक्स्ट आपका तीसरा है, बीरबल हैड एन ब्लैंक, स्थान खाली है टू एवरी क्वेश्चन। बीरबल के पास सभी प्रश्न का था, क्या था, आंसर ANSWER। बीच में आप क्या भरेंगे, जो स्थान खाली है आंसर भर लीजिएगा ANSWER। अब आइए आप जो नेक्स्ट आपका ये फोर है, स्थान खाली है ब्लैंक है जो है, वाज द फेमस मिनिस्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध मंत्री थे, कौन थे जो है, बीरबल। तो आपको यहाँ क्या भरना है, जो है बीरबल BIRBAL, बीरबल वाज द फेमस मिनिस्टर ऑफ द अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के बीरबल जो है एक प्रसिद्ध मंत्री थे। बीरबल अकबर के दरबार के फेमस मिनिस्टर, प्रसिद्ध मंत्री थे, बीरबल भर लेंगे। इसके बाद आपका फाइव है, द पुअर मैन थैंक्ड, गरीब आदमी ने धन्यवाद दिया, किसको दिया, बीरबल। स्थान खाली वहाँ क्या भरेंगे, बीरबल BIRBAL, क्योंकि नेम है इसीलिए बी कैपिटल होगा, एंड वेंट अवे हैप्पीली। द पुअर मैन थैंक्ड बीरबल, गरीब आदमी ने जो बीरबल को धन्यवाद दिया, एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी चला गया। बीरबल आप भर लेंगे। अब आपका सिक्स है, द ब्लैंक, स्थान खाली है वर जेलस ऑफ बीरबल, द वर जेलस ऑफ बीरबल, बीरबल से ईर्ष्यालु थे, कौन थे जो है, मिनिस्टर्स, मंत्रीगण, MINISTERS, MINISTERS, आपको मिनिस्टर जो है भरना है, मिनिस्टर सब भर लेंगे। अब चलिए जो है नेक्स्ट आपका अगला जो है नेक्स्ट पेज पर जो है ए, ए में क्या है, मैच द अपोजिट्स, अपोजिट्स मैंने क्या होता है, विलोम। जैसे डे का अपोजिट क्या होगा, नाइट, यानी दिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रात, डे का अपोजिट नाइट। मैच द अपोजिट इन द गिवन कॉलम्स ए एंड बी बिलो, जो नीचे दिया गया है, कॉलम ए में जो है वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम बी में जो है इन वर्ड्स के अपोजिट, बिलोम यानी कि उल्टा सब दिया हुआ है, इससे आपको क्या कराना है, मैच कराना है। पहला क्या है, डे, DAY, डे को आप किससे मैच कराएंगे, देखिए FF में क्या दिया है, नाइट, तो डे को आप मैच कराएंगे नाइट से। डे मीन्स क्या होता है, दिन, और नाइट मीन्स क्या होता है, रात, तो डे को मिलाएंगे जो है आप नाइट से, NIGHT,
अब मिला लेंगे जो है एफ लिख करके, अब मिला लेंगे नाइट, अब नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड है टॉल, टी ए डबल एल, टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा होता है, टॉल को मिलाएंगे एच से, एच में क्या दिया हुआ है शॉर्ट, एस एच ओ आर टी, शॉर्ट मीन्स क्या होता है छोटा, तो टॉल को मिलाएंगे एच से यानी कि शॉर्ट से, एस एच ओ आर टी, तो टॉल को आप शॉर्ट से मिला लीजिए, एच लिख कर मिला लेंगे। नेक्स्ट अब आपका तीसरा क्या है फॉर, एफ ए आर, फॉर को आप मिलाएंगे जो है, फॉर मीन्स क्या होता है दूर, एफ ए आर, फॉर को मिलाएंगे ए से, ए में क्या दिया हुआ है नियर, एन ई ए आर, नियर मीन्स क्या होता है जो है पास, फॉर मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, फॉर का अपोजिट क्या है नियर है, इसीलिए फॉर को मिलाएंगे जो है नियर से, एन ई ए आर। अब आइए जो चौथे पर, जो चौथा क्या है लेट, एल ए टी ई, लेट मीन्स क्या होता है देर से, लेट को मिलाएंगे आप बी से, बी माने क्या होता है अर्ली, ई ए आर एल वाई, अर्ली मीन्स क्या होता है जल्द, तो एल ए टी ई, लेट मीन्स देर, अर्ली मीन्स जल्द, तो लेट को किसे मिलाएंगे बी से, बी पर क्या लिखा है आपका अर्ली, ई ए आर एल वाई, लेट को आप अर्ली से मिला लेंगे। अब पांचवा क्या है आपका कम, कम को मिलाएंगे सी से, कम मीन्स क्या होता है आना, और सी में क्या दिया गो, गो मीन्स क्या हो जाएगा जाना, तो कम को आप गो से मिलाएंगे। अब आइए आप चौथे पर, चौथा क्या है मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है सुबह, सुबह को आप मिलाएंगे जो इवनिंग से, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग मीन्स शाम, मॉर्निंग मीन्स सुबह, मॉर्निंग को इवनिंग से मिला लेंगे। अब आपका सातवां है हाई, एच आई जी एच, हाई मीन्स क्या होता है ऊंचा, हाई को मिला लेंगे ई से, एल ओ डब्ल्यू लो, लो मीन्स क्या होता है नीचा, तो हाई को आप किससे मिलाएंगे जो है एल ओ डब्ल्यू, आप लो से मिला लेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्या है ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या होता है काला होता है, ब्लैक को आप मिलाएंगे व्हाइट से, डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट मीन्स सफ़ेद, ब्लैक मीन्स काला, व्हाइट मीन्स सफ़ेद, ब्लैक को आप मिला लेंगे व्हाइट से। अब नाइन क्या आपका जो अगली, अगली मीन्स क्या होता है कुरूप, यू जी एल वाई, कुरूप उसे कहते हैं जो दिखने में सुंदर ना हो,
अगली को आप मिलाएंगे ब्यूटीफुल से, ब्यूटीफुल में सुंदर, जो देखने में सुंदर हो, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल में सुंदर। अगली मीन्स कुरूप, जो देखने में सुंदर ना हो उसे क्या बोलेंगे, कुरूप। तो अगली को आप मिलाएंगे ब्यूटीफुल से, अब अपना आप होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन आंसर कराया हूँ आज, जो कराया हूँ क्वेश्चन आंसर फ्री इन द ब्लैंक्स, और ये मैच द कॉलम, यानी कि बी सी और डी, इन तीनों को आपको अपने होमवर्क की कॉपी में बोल बोल करके स्पेलिंग पर ध्यान देते हुए आपको जो लिखना है, लिखने के बाद आपको लर्न करना है, स्पेलिंग लर्न करनी है, अपोजिट वर्ड लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर आपको जो है प्रॉपरली आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही। मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल।